सुनिए जी, अगर जीविका मानवी से बगैर मेरे चली गई तो मानवी सदमे से मर जाएगी। कुछ करिए प्लीज, प्लीज कुछ करिए। हेलो चाचू। मानवी बेटा, चाचू जी को जाने मत देना प्लीज। चाचू मेरे आने तक नहीं। क्या हुआ मानवी? चीजू मुझसे नफरत करने लगे हैं विराट। जल्द से जल्द दी को चंडीगढ़ लेके जा रहे। मानवी तुमको सच का पता नहीं है, हम उन्हें अभी बताएंगे। नहीं विराट, जीजू को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अगर जीजू को मेरे कैंसर के बारे में कुछ भी पता लग गया तो दी से भी ये बात नहीं छुपेगी। विराट मैं जीजू का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन दी का दर्द नहीं। तुम जीजू को कुछ नहीं बताओगी विराट। अभी अभी मुझे दी के पास जाना है। विराट जल्दी चलो प्लीज। विराट चलो, विराट जल्दी चलो, मुझे दी के पास जाना है। सर बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। विराट जल्दी चलो। मम्मी ले बिजी स्टेज। चलो एक्सक्यूज मी। रुक जाते बेटा तो मानवी भी एक बार जीविका को देख लेती, बस आती होगी। Let's go, stairs, come. विरेन बेटा, तुमसे एक छोटी सी बिंदी है, थोड़ी देर के लिए रुक जा। एक बार मानवी को जीविका से मिलने दो वरना वो घुट घुट के मर जाएगी बेटा, मर जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ बीजी। से नहीं मिलोगे, रिश्ते सिर्फ कहने के लिए होते, रिश्ते निभाने के लिए होते। आज के बाद तुम्हें जीविका से मिलने का कोई हक नहीं। जीजू प्लीज बस मुझे एक बार जीविका दी को देखने दो। क्या करोगी देख कर? अरे मानवी, मुसीबत के वक्त तो पराये भी काम आ जाते। तुम तो खुद जीविका की बहन हो सकता है तुम्हारे किए के लिए तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें माफ कर दे, लेकिन आजकल मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जीजू आपको मुझे जो भी बोलना है ना मुझे बोलो, लेकिन एक बार दी से मिलने दो। जीजू ऐसा मत करो प्लीज।
बेटा अब तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, पर एक बार कम से कम मानवी को एम्बुलेंस के बाहर से तो देखने दो जीविका को। जीजू प्लीज प्लीज बस, बस।